हाय एवरीवन, मैं हूं नितिन और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नामूर NE43 स्टैंडर्ड क्या होता है। तो चलते हैं स्लाइड पर। NE43 जो कि नामूर स्टैंडर्ड का एक पार्ट है, आज हम इसको डिस्कशन करने के लिए ये चार टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक रहेगा उसका इंट्रोडक्शन, देन नामूर स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इनकी रिकमेंडेशन क्या है। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी कंपनीज हैं जो नामूर NE43 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं, एंड देन फिर रेफरेंसेस देखेंगे। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि नामूर एक वर्किंग ग्रुप है जो कि ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में काम करता है, ऑटोमेशन, और ये बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा है, सच एज रिफाइनरी, केमिकल प्रोसेसिंग। देन नामूर डेवलप करता है गाइडलाइन एंड रिकमेंडेशन जो कि इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम में यूज होती हैं। अब इसकी गाइडलाइन और रिकमेंडेशन क्या है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसकी जो गाइडलाइंस हैं और रिकमेंडेशन है, उसका जो पहला कोर एरिया है वो है FDI, फील्ड डिवाइस इंटीग्रेशन। फील्ड डिवाइस जैसे कि हमारे सेंसर हो गए, एक्चुएटर्स हो गए एंड ट्रांसमीटर्स हो गए, ये कंट्रोल सिस्टम के साथ में कैसे इनको इंटीग्रेट करना है। नो डाउट ये 4 to 20 mA सिग्नल देते हैं, उस पर ये इंटीग्रेट भी होंगे। हाँ, सेंसर, ट्रांसमीटर और एक्चुएटर्स, ये 4 to 20 mA सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, और ये इनका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए किसी भी कंट्रोल सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट होने के लिए। तो नामूर FDI पर एक अच्छी गाइडलाइंस पब्लिश करता रहता है। देन हम इसका जो सेकंड एस्पेक्ट एरिया है, जो सेकंड एरिया है वो है कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड पर। कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड पे इसके रिकमेंडेशन जो ओपन प्रोटोकॉल्स है उस पे आते हैं, सच एज प्रोफीबस, प्रोफीनेट, हार्ट सिस्टम, फाउंडेशन फील्ड बस एंड वायरलेस हार्ट। तो इस पे भी नामूर अपने रिकमेंडेशन रिलीज करता है। उसके बाद में जो इसका थर्ड एरिया है वो है एसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड। एसेट मैनेजमेंट बेसिकली ये क्या करता है कि किसी भी एसेट, जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट हो गए, उनकी लाइफ साइकिल डिफाइन करना, कंडीशन मॉनिटरिंग करना, उनका कैलिब्रेशन प्रोसीजर डेवलप करना, एंड इस पर क्या डायग्नोस्टिक होनी चाहिए, कैसे उसको ट्रबल शूट करना है, उसके लिए भी ये स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है। देन हमारा सेकेंड पार्ट जो फोर्थ एरिया है, दैट इज फंक्शनल सेफ्टी। फंक्शनल सेफ्टी में ये सिल एंड सिस सिस्टम को प्रमोट करता है, एंड साथ ही उसके रिकमेंडेशन ये डेवलप करता है। सिल सिस्टम क्या होते हैं, दैट इज अ सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल एंड सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम को हम SIS सिस्टम बोलते हैं, सिस सिस्टम। जो हमारा ये सेफ्टी रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें ये रिस्क असेसमेंट भी करता है और उसकी गाइडलाइंस भी नामूर डेवलप करता है। सो जो इसका नेक्स्ट एरिया है, दैट इज HMI सिस्टम, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ये गाइडलाइन डेवलप करता है कैसे ग्राफिक्स का डिस्प्ले होना चाहिए, ऑपरेटर की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, अलार्म सिग्नल कैसे होने चाहिए, अलार्म मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ये उस पर भी अपनी गाइडलाइंस डेवलप करता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो ये रिकमेंडेशन देता है जो एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वाटर प्यूरिफायर सिस्टम होते हैं, उन सब पे भी ये अपनी रिकमेंडेशन देता है। देन इसकी जो मेजर रिकमेंडेशन है, जो NE43 की, अब हम कंसंट्रेट होते हैं NE43 पर। NE43 पर जो ये रिकमेंडेशन देता है वो बेसिकली 4 to 20 mA ट्रांसमीटर्स होते हैं, और ट्रांसमीटर के साथ साथ कोई भी स्मार्ट डिवाइसेस जो कि 4 to 20 mA पर ऑपरेट होती हैं, उनके लिए जो इसके स्टैंडर्ड हैं, उसके बेसिक टू फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो ये इसका जो फंक्शन, जो इसका कोर रिकमेंडेशन है वो ये है कि 4 to 20 mA के किसी भी सिग्नल को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। अगर क्योंकि हमें सिग्नल एक ही मिल रहा है, एनालॉग सिग्नल, दैट इज 4 to 20 mA, लेकिन अब इसमें हमें फॉल्ट की कंडीशन भी आइडेंटिफाई करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो नामूर कहता है कि इसके लिए हम आउट ऑफ द रेंज इसके दो ऐसे सेचुरेशन लेवल डिफाइन करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल पाए कि ये ओवर द रेंज है या फिर अंडर द रेंज है, ये सेचुरेशन पे ऑपरेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो एक हो गया नॉर्मल ऑपरेशन जो कि 4 to 20 mA के बीच में होगा, एक हो गया सैचुरेटेड ऑपरेशन, उसके लिए लेवल्स हम बाद में आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। एंड सेकंड इसका जो पॉइंट है वो है हार्डवेयर फेलियर लेवल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। सपोज कोई ट्रांसमीटर अगर फेल हो गया, तो उस कंडीशन पे हार्डवेयर फेलियर अगर होता है फील्ड में, तो इस चीज को कैसे स्काडा तक हम इसका मैसेजिंग करें, इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए भी ये दो लेवल्स डिफाइन करता है, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एज पर API 551, जो ट्रांसमीटर है 4 to 20 mA सिग्नल जो नॉर्मल ऑपरेशन में देता है, उसके लिए ये जो पीछे टेबल दे रखा है, इस टेबल में अगर आप देखेंगे, ये स्टैंडर्ड्स, ये लेवल्स को डिफाइन करने के लिए नामूर में NE43 में स्टैंडर्ड्स डिफाइन है। ओके,
सो पहला जो इसकी रो है दैट इज नॉर्मल ऑपरेशन जो कि 4 टू 20 मिली एम्पियर की रेंज में ऑपरेट होता है. इट मींस कि सपोज किसी ट्रांसमीटर को हमने 0 टू 10 केजी कैलिब्रेशन किया है और वो 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल दे रहा है, तो 0 पर वो 4 मिली एम्पियर सिग्नल देगा एंड 10 पे वो 20 मिली एम्पियर सिग्नल देगा. इन बिटवीन जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो उसके अकॉर्डिंग हमें करंट सिग्नल देता रहेगा. अब अंडर रेंज ऑपरेशन क्या होता है, सपोज उसका जो प्रेशर है वो लेस देन जीरो हो गया किसी भी रीजन से, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ये हमें देगा 3.8 से लेकर 4 मिली एम्पियर के बीच का सिग्नल देगा. इट मींस कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर है, वो अंडर सैचुरेशन में ऑपरेट कर रहा है. सिमिलरली ओवर रेंज में भी अगर उसका जो अप्लाइड प्रेशर है उस पर, उसकी रेंज जो हो गई है दैट इज मोर देन 10 केजी जो कि हमारी कैलिब्रेशन रेंज से ऊपर है, तो उस कंडीशन पे ये 20.0 से लेकर 20.5 मिली एम्पियर के बीच में करंट सिग्नल देगा. तो ये जो दो लेवल हो गए 3.8 से लेकर 4 मिली एम्पियर एंड सेकंड रेंज जो हो गई 20 से लेकर 20.5 मिली एम्पियर, इन दोनों के बीच में अगर हमें सिग्नल करंट की वैल्यू मिल रही है, इट मींस कि ट्रांसमीटर हमारा अंडर द रेंज और ओवर द रेंज कंडीशन में ऑपरेट हो रहा है. आफ्टर दैट ट्रांसमीटर फॉल्ट अगर हो गया तो देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि ट्रांसमीटर में कुछ फॉल्ट है, तो उस कंडीशन पे जो करंट होगा दैट विल बी अराउंड 3.6 मिली एम्पियर टू 3.8 मिली एम्पियर. इट मींस कि हमारा लगभग 3.6 टू 3.8 मिली एम्पियर अगर हमें ट्रांसमीटर से रिसीव हो रहा है, देन वी कैन आइडेंटिफाई दिस लेवल कि ये ट्रांसमीटर फेल हो चुका है, नाउ वी हैव टू रिप्लेस द ट्रांसमीटर और वी हैव टू डायग्नोस्टिक समथिंग. ओके, अब इसके बाद जो लास्ट के दो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सपोज कमिशनिंग फील्ड में, कमिशनिंग जब भी ट्रांसमीटर्स की करते हैं देन ओपन सर्किट और शॉर्ट वायर होना कॉमन है कि ट्रांसमीटर का वायर ओपन है एंड वी आर नॉट गेटिंग द डेटा, तो उस कंडीशन पे नामूर NE43 क्या बोलता है कि 0 से लेकर 3.6 मिली एम्पियर तक इसका रेंज अगर हमें करेंट सिग्नल मिल रहा है, उस कंडीशन पे वी कैन से कि फील्ड में ट्रांसमीटर के वायर ओपन हो गए, आइदर वायर ओपन हो गए या ब्रेक हो गए. ओके, सेकेंड लास्ट कंडीशन है इसकी कि शॉर्ट फील्ड वायर. शॉर्ट फील्ड वायर में क्या है कि अगर हमारे दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाते हैं तो उस कंडीशन पे बहुत ही हाई करंट फ्लो करेगा जो कि मोर देन 22 मिली एम्पियर होगा. तो इस कंडीशन को हम आइडेंटिफाई ये कर सकते हैं कि शॉर्ट फील्ड वायर हो गए यानी कि 22 मिली एम्पियर से करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, इट मींस कि वायर शॉर्ट है. ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपनीज हैं जो कि नामूर NE43 स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाले ट्रांसमीटर्स को बना रहे हैं. तो मेजॉरिटी जो हमारे ट्रांसमीटर मार्केट में अवेलेबल हैं वो NE43 को सपोर्ट करते हैं. तो इसमें से कुछ कंपनीज हैं जो टॉप प्लेयर्स हैं, मैं उनके नाम जस्ट मैंने मेंशन किए हुए हैं, जस्ट एज सीमेंस, ABB, इमर्शन, योकोगावा, E&H, स्नाइडर, रॉकवेल ऑटोमेशन, P&F एंड फोनिक्स कॉन्टेक्ट. ये जितने भी स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट या 4 टू 20 मिली एम्पियर से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट ये डिजाइन करते हैं वो NE43 स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है. मोस्ट ऑफ द ट्रांसमीटर्स NE43 स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते हैं. देन हम बात करेंगे रेफरेंसेस की. नामूर की खुद की जो वेबसाइट है दैट इज namur.net, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वेबसाइट. आफ्टर दैट विकिपीडिया, एज यूजुअल आप इसमें सारा हिस्ट्री से लेकर डेवलपमेंट और इसके जो भी स्टेप्स हुए हैं नामूर के अभी तक के, यू विल गेट इट इजली. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही.